आगरा की खाकी वर्दी एक और गंभीर आरोप से घिर गई है। मामला लूट में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी का है। दरअसल आपको बताते चलें कि थाना जगदीशपुरा के राहुल नगर शारदा विहार में जुगनू नाम का आरोपी रहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी जुगनू लूट के मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही थी। मामला न्यू आगरा से जुड़ा था, इसलिए न्यू आगरा की पुलिस लूट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती थी। आपको बता दें कि मृतक जुगनू के परिजनों के मुताबिक गुरुवार दोपहर न्यू आगरा की पुलिस और जगदीशपुरा थाने की पुलिस टीम जुगनू के घर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि न्यू आगरा पुलिस और जगदीशपुरा पुलिस जुगनू को पीट पीट कर ले जा रही थी, जिससे संदिग्ध परिस्थितियों में जुगनू की मौत हो गई। मृतक जुगनू के परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं परिजनों का क्या कहना है। भाइयों दो जने और अतका रास्ता में जो बस खूब पब्लिक बहू मैं घर पे नहीं आती, मैं बाजार गई थी, तो इस वजह से मैं घर पे मैं पहुंची तो तभी बस रास्ते में मेरे पास दो लड़के पहुंचे, कंटी तुम्हारे भैया को पुलिस पकड़ रही है और मार रही है बहुत बुरी तरह से। तो मैं भजी भजी के मेरी किधर है वो, किधर चले जाए उस गली में। तो गली में पहुंची मैं तो जो टम्पू में डाल के उसे बैठे थे, लड़का मेरा ऐसा करके बैठा था, बिल्कुल बिल्कुल बंद था, ऐसा करके बैठा था। मैंने उसे देखा, मेरी भैया इसके क्या कर दिया तुमने, क्या करा है? तो बोला कि कुछ नहीं करा है, ये तो बहाने बना रहा है ऐसे कह के चले आया। मैंने कि मुझे देखने तो दो कि हट जा बुढ़िया, और तू क्या कर लेगी मेरा, मैं तो सरकारी नौकर हूँ, टेम्पू में नहीं बैठने दिया मुझे। मुझे कह रहा था चौकी पे चलो, चौकी पे आ जाओ, बोतला चौकी पे ने मैं आई तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिला, मेरे को कोई मिला। मैं दरोगा जी से बात की, फिर दरोगा जी बोले कि कैसा करो तुम मेरे साथ चलो, क्या क्या है। मैंने अभी सिपाही भेजा है घर पे, तो सिपाही मेरे घर पे कोई सिपाही नहीं पहुँचा मेरे घर पे। तुरंत मैं चौकी पे आई थी, चौकी पे तो दरोगा जी मुझे यहाँ लेके आए। फिर उसको बेटे को मेरा तो मरा रखा है उसमें तो मरा रखा है, मुझे तो मरा कब्जे नहीं बताया, मेरे को कुछ नहीं बताया उन्होंने। मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजन वहां पहुंच गए जहां पोस्टमार्टम हो रहा था। वहां पर हंगामा कर रहे परिजनों ने न्यू आगरा पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। हत्या के आरोप और हंगामा को देखते हुए पोस्टमार्टम स्थल को छावनी बना दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के आला अफसर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में एसपी सिटी कुमार अनूप सिंह का कहना है कि जुगनू लूट के मामले में वांछित था और न्यायालय के आदेश पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस अधिकारी जुगनू का आपराधिक इतिहास भी बता रहे हैं। आइए देखते हैं एसपी साहब ने और क्या कुछ कहा। ये अभी जो मामला आया हुआ है उसमें जो प्रथम दृष्टया हमें फैक्ट पता चले हैं वो ये है कि न्यायालय के आदेश की तामील कराने के लिए, 82 सीआरपीसी के आदेशों को तामील कराने के लिए थाने से पुलिसकर्मी गए हुए थे एक लूट के मामले में वांछित अभियुक्त के घर पर, और क्योंकि अभियुक्त वहाँ पर मिल गया इसलिए उसको पकड़ा गया। और जैसे ही पकड़कर घर से आगे चले अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया और अभियुक्त को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हुई अचानक से और उसको अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, और इसमें हम लोग पूरे फैक्ट क्या हैं उसको वेरीफाई कर रहे हैं, मामले की जाँच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आते हैं सही कारण सभी फैक्ट पता करके हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे इसमें। वहीं आपको बता दें कि लूट के मामले में वांछित आरोपी जुगनू की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो पुलिसकर्मी आरोपी जुगनू को घर से पकड़ने के दौरान उसे रास्ते में पीट रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पुलिसकर्मी आरोपी जुगनू का कभी लात पकड़ते हैं तो कभी घूसा मारते हैं और मारपीट कर उसे लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर जुगनू के परिजन पुलिस पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल यहां पर यह भी है कि लूट में वांछित आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस को पीटने का अधिकार आखिरकार किसने दिया? वीडियो के आधार पर परिजनों के पास पुलिस पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप के सबूत तो हैं, लेकिन पुलिस के पास अपने बचाव में कोई सबूत फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और अब आगरा की पुलिस जुगनू की हत्या के आरोप में घिर गई है। अब पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की छानबीन कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक जुगनू जगदीशपुर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। जिसकी हिस्ट्री शीट खुली है तो पता चला है कि जुगनू का भाई रवि भी थाना जगदीशपुरा का हिस्ट्री शीटर है। जुगनू का एक और दूसरा भाई दीपक उर्फ दीपू इस समय लूट के मामले में जेल में बंद है, और साथ ही जुगनू के पिता सूरज भी थाना जगदीशपुरा का हिस्ट्री शीटर है। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।